कि आज आप लोगों का ओरल टेस्ट होगा, मैंने बताया था है ना कि सैटरडे सैटरडे सबका ओरल टेस्ट होगा सब्जेक्ट वाइज, तो आज इंग्लिश का होना था तो हम लोग करेंगे। हमारे यहाँ पे नाम लिख रहा हूँ जो बच्चे आए हैं, हर्षराज एंड रिशिता, रिशिता कुमारी, ठीक। पांच पांच क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे, उसका आंसर आप लोगों को करना है, ठीक। जिससे पूछूंगा वो आंसर लेगा। देखो मैंने बोर्ड पे बच्चे का नाम भी लिख दिया है और सामने में आपके पांच क्वेश्चन रहेंगे और एवरी क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स के होंगे, टोटल मार्क्स 10 होगा, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आपको मार्क्स दिया जाएगा, ठीक है सर। ठीक है, तो पहले जिससे पूछूंगा वही उसका आंसर बताएगा मुझे, ठीक है। चैप्टर 1 है ये, वर्ल्ड मीनिंग पूछ रहा हूँ, ठीक है। वर्ल्ड मीनिंग, यस सर। दोनों में से जिसको आता होगा वो बताएगा, अपना नाम पहले बता देगा तो फिर मैं उससे पूछूंगा। फैंसीफुल, इसकी मीनिंग कौन बताएगा? फैंसीफुल सर, हर्षराज। हर्षराज, वेरी गुड। और आप रिशिता? इन एन इम्पॉसिबल। फिर से पढ़िए बेटा, फिर से बोलिए। वन हाउ, वन हु, हु लिव इन एन इमेजिनरी वर्ल्ड, ठीक। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे हर्षराज, आपने 2 मार्क्स कलेक्ट कर लिए हैं, ठीक है। और रिशिता, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे रहेगा बेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे कर रहा हूँ, वर्ल्ड मीनिंग है, इसका आंसर आपको करना है। पोषण, पोषण का बताइए मीनिंग क्या होगी? पोषण सर, पावर। वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर बेटा, बहुत बेहतरीन आपने आंसर किया है इसका, आपने भी 2 मार्क्स कलेक्ट किया है, यू गॉट 2 मार्क्स, ओके। बोथ चिल्ड्रन आर कलेक्ट 2 मार्क्स, ओके। अब हम लोग नेक्स्ट कर लेते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ट्रू फॉल्स से मैं ले रहा हूँ, ठीक है। He had a suit of armor made for himself. Rishi Raj, Harsh Raj, tell me your answer, please. Rishi Raj, it's true or false? Okay, Rishita. Yes, sir. You tell me. It's true or false? सर फिर से क्वेश्चन बोलिए। He had a suit of armor made for himself. Harshraj. False. Very good answer. Harshraj, आपने बताया false. You got 2 marks. Okay. Next question. Next question. रिशिता आपसे है, true false है ये question. Okay. हाँ. एक सेकंड. निकिता, yes, निकिता आप भी कनेक्ट हुई हैं? ओके, मैं नाम लिख रहा हूँ, निकिता, निकिता, और कौन आया है? सर बस 3 ही लोग हैं। एक और कौन है, समर कुमार आए हैं क्या? नो सर। समर, समर कुमार। नो सर। समर, ये तो सब ये पूरा लिख लिया।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जिसको आएगा वो बताएगा, ठीक है। सैंचो पैंजा न्यू दैट डॉन ऑफ्टन इमेजिन थिंग। शफी से क्वेश्चन बोलिए। सैंचो पैंजा न्यू दैट डॉन ऑफ्टन इमेजिन थिंग। ट्रू सवाल। इट्स ट्रू और फॉल्स? गिव मी योर आंसर प्लीज। सर ट्रू। कौन बोल रहा है? ऋषिराज। आपकी बारी नहीं है अभी, ये बारी है ऋषिता कुमारी, निकिता या समर, तीनों में से कोई एक बताए। सर इसका होगा सर टीडू। सर कौन बोला? सर ऋषिता। ऋषिता नहीं बेटा, इसका आंसर है फॉल्स। ओके, आपने गलत आंसर किया है तो आपको मिलता है जीरो, इस क्वेश्चन में जीरो मिला। ओके चलिए मैं नेक्स्ट पूछता हूँ। चैप्टर नंबर टू से, चैप्टर नंबर टू से नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रू और फॉल्स से पूछ रहा हूँ। द एयरपोर्ट इज आउटसाइड द सिटी ऑफ पेरिस। इसका आंसर मुझको देंगे निकिता या समर, दो में से कोई एक। निकिता और समर आप दोनों में से कोई एक मुझे बताएं। समर, निकिता, निकिता, निकिता मेरी आवाज आ रही? निकिता सर उसको आवाज नहीं पहुंचती होगी। ऋषिता आपको मेरी आवाज आ रही? यस सर आ रही है। बताएंगे आप? यस सर। कौन सा? द एयरपोर्ट इज आउटसाइड द सिटी ऑफ पेरिस। नहीं बेटा अभी आप रुक जाओ, आपको ऑलरेडी दो हो चुका है। ऋषिता आपको आंसर पता है? नो सर। नहीं पता है। निकिता आपको? समर सर? हाँ ओके। ऋषिराज आप बताएंगे? मेरा नाम हर्षराज है। सॉरी हर्षराज आप बताएंगे? सर क्वेश्चन बोलिए सर। क्वेश्चन है? हाँ सर मेरा टू चैप्टर नहीं हुआ है मैथ का। सर सर मेरा भी नहीं हुआ है सर टू चैप्टर, सर वन लेसन हुआ है सर। नाम बताओ अपना। सर ऋषिता। सर क्यों नहीं किया? मैंने तो भेजा हुआ है सबका, क्यों नहीं किया आप लोगों ने? सर मेरे पास नहीं आया। सबके पास आया है? नहीं नहीं सबके पास, सबके पास आया है, सबके पास पूरा ग्रुप में गया हुआ है ये। मेरे पास नहीं आया है। ऋषिराज सॉरी हर्षराज, हर्षराज द एयरपोर्ट इज आउटसाइड द सिटी ऑफ पेरिस, बताइए। ट्रू सर। वेरी गुड, वेरी गुड आंसर बेटा, ट्रू। देखो आपने किया है और ये बोल रहे हैं इनके पास नहीं गया, एक के पास गया है ग्रुप में तो सबके पास गया है। अगर हर्षराज के पास पहुंचा है तो सबके पास पहुंचा है। हर्षराज को कैसे आंसर आ रहा है वो कर रहा है, कोई बात नहीं। मैं फिर से चैप्टर वन से ही पूछता हूँ। चैप्टर वन से बताइए। यस मेक सेंटेंस। ऋषिता यस सर। मेक सेंटेंस बनाना है। पॉपुलेशन, चलिए ये एक वर्ड मैंने दिया आपको पॉपुलेशन, इसका आपको सेंटेंस बनाना है, बताइए। सब मेक सेंटेंस बनाना है। हाँ सब किसका बोले हैं? पॉपुलेशन। पॉपुलेशन की बात हो रही बेटा यहाँ पे, पॉल्यूशन की नहीं। समर सर लेकिन सर
सर लेसन वन का है ना सर, पॉपुलेशन उस लेसन वन में नहीं तो सर नेक्स्ट सेंटेंस में। अरे सब है बेटा नेक्स्ट सेंटेंस में था पॉपुलेशन का। हाँ इनको इनको कुछ नहीं आता है, इनको इनको नहीं आ रहा तो कुछ है ही नहीं। और नेक्स्ट समर आप बताएंगे, समर निकिता इनका आवाज नहीं आ रही, बता रही है इनका उनकी आवाज में क्वेश्चन निकिता समर मेरी आवाज सुन रहे हो तो बेटा माइक को अपने बिल्कुल मुंह के पास ले जाके बोलो। निकिता एंड समर मुझे हर्ष की और रिश्ता की आवाज सुनाई पड़ रही है। सर थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम है। नेटवर्क प्रॉब्लम, निकिता बोल रही हो? यस सर। यस सर। हाँ ठीक है वेरी गुड, और थोड़ा माइक को मुंह के पास लगाओ, नेटवर्क प्रॉब्लम है। समर आप भी, तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन देगा, रिशिता हर्षराज या निकिता समर? और हर्षराज के अलावा किसी को पता है इस क्वेश्चन का आंसर? क्वेश्चन क्या है, एक सेंटेंस है, एक वर्ड मैंने दिया उसका सेंटेंस आपको मुझे बनाकर बताना है। पॉपुलेशन क्या पता है, पॉपुलेशन इज आवर कंट्री 130 करोड़। और एनीवन हर्षराज फिर से बताइए बेटा। पॉपुलेशन इज आवर कंट्री 130 करोड़। हाँ ठीक है अच्छा बनाया, और किस तरह से बना सकते हैं, एक आध और बताएंगे बना के? यस सर। क्या बताइए? देखिए वर्ल्ड जो ये बहुत इजी होता है, कोई वर्ल्ड आपको देखिए उसके ऊपर कोई भी एक सेंटेंस आप बना के बताइए, एक लाइन बोलिए उसके बारे में, हाँ। पर आप लोग जो लिखते हो तो एक ही लाइन लिखना होता है, पर आप लोग उसको दो लाइन चार लाइन पांच लाइन जितना आए उतना बोल सकते हो, उतना अपनी कॉपी में लिख सकते हो, उससे आपका नॉलेज बढ़ेगी, आपकी इंग्लिश और अच्छी होगी। पॉपुलेशन पे और कुछ बोलेंगे आप? पहला वाला आपका चलिए ठीक था, हर्षराज आप 2 मार्क्स और कलेक्ट कर लिए हैं, ठीक है टोटल आपके 8 मार्क्स हो गए अभी तक। और रिशिता आपके ओनली 2 मार्क्स हैं। निकिता आपने कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं किया है अभी तक। निकिता आवाज आ रही? निकिता मेरी आवाज आ रही? सर फर्स्ट फर्स्ट कर आ रही। फर्स्ट फर्स्ट क्या आ रही बेटा, थोड़ा सा माइक की तुमको तुम्हारे नेट की प्रॉब्लम है, ठीक है माइक को एकदम मुंह के पास रखो अपने। मैं तुमसे क्वेश्चन कर रहा हूँ। सर वीडियो नहीं आ रही। हाँ सर वीडियो नहीं आ रही। हेलो निकिता, क्लीन की वर्ड मीनिंग बताइए, क्लीन। यस निकिता, क्लीन 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 सर हम बताएं? निकिता को बताने दो। सर रुकिए सर, क्लीन सर हम बताएं सर? निकिता को बताने दो। सर सर चलो कोई बात नहीं, दूसरा बताओ। क्लैंग, क्लैंग का बताओ, क्लैंग। निकिता आपको क्वेश्चन नहीं है, निकिता और समर थे और कोई नहीं बोलेगा। निकिता एंड समर वर्ल्ड मीनिंग है चैप्टर 1 का क्लैंग, इसकी बताइए। सर इंग्लिश हाँ वर्ल्ड है, इसकी मीनिंग बताइए, वर्ल्ड मीनिंग है, वर्ल्ड मीनिंग है क्लैंग। सर लैंग्वेज पूछ रहे हैं? हाँ
सर कह रहा है क्या पूछ रहे हैं लिटरेचर से बेटा वर्ड मीनिंग लिटरेचर में होती है लैंग्वेज में नहीं पहला चैप्टर किया है आपने यस सर किया है फिर बताइए यस सर क्या बताइए बताइए सर कौन सा क्लैंग सर कौन सा क्वेश्चन फ्लैग वर्ड में नहीं पूछ रहा हूँ क्लैंग फैंसीफुल का बता दीजिए फैंसीफुल सर हाँ सर बोलो सुन रहे सर वन हाउ लिविंग इन अ इमेजिनरी मैजिक वर्ल्ड कौन बोला था ये सर मुझे आता है निकिता आप बोली थी यस समर सर समर बोला है समर नहीं समर आवाज आ रही मेरी समर मेरी आवाज आ रही हेलो किसकी स्पेलिंग विंड्स की मीनिंग बताइए विंड्स सर किसकी विंड्स रिशिता विंड्स की मीनिंग बताइए किसकी विंड्स यार WINDS विंड्स सर विंड्स की सर किसकी सर विंड्स की हाँ सर विंड्स इज एयर पावर रिशिता यस सर आता है आपको पहला चल आई सर माय विंड सर विंड्स है विंड्स किस वर्ड मीनिंग सर माय विंड्स इज वेरी ब्यूटीफुल नहीं ये नहीं है गलत बता रहे हो चलिए लेंस की बताइए लेंस की बताएंगे लेंस सर किसकी लेंस की हाँ सर बताएंगे बताइए सर लेंस की होता है सोल्जर्स फाइट विथ लेंस मीनिंग बताइए मीनिंग सर मीनिंग सर लेंस की मीनिंग होती है ए वेपन विथ अ लॉन्ग वुडन हैंडल एंड अ पॉइंट मेटल हेड चलिए अ वेपन विद अ लॉन्ग वुडन होगा ठीक है ओके चलो फिर भी मैं आपको दो नंबर देता हूँ यहाँ पे ठीक है यस सर आप हर्षराज रिश्ता आप दोनों के फोर क्वेश्चन हो चुके हैं एक क्वेश्चन बताइए इसका आंसर बताना है आपको क्वेश्चन yes, पूछ रहा हूँ हाउ डिड द एक्सप्लेन टू सैंचो व्हाई वी वाज फाइटिंग अ विंडमिल सर एक बार फिर से बोलिए हाउ डिड द एक्सप्लेन टू सैंचो व्हाई ही वाज फाइटिंग अ विंडमिल सर मुझे आता है सर सुनाए बताइए okay. He told Sancho that this giants change into windmill by magic. They are really giants. बताइए रिशिता ने? Yes sir. Very good answer बेटा. देखो अब आपने किया है आपका बढ़िया हो रहा है. अभी आप कर रहे थे नहीं आता. इतना अच्छा आपने वो answer दिया sir. Next question ऋषिराज आप बताएं. Why did he ask Sancho for the magical ball? हर्षराज why did he ask Sancho for the magical ball? सर मुझे आता है मुझे भी आता आपका हो गया हर्षराज आप बताइए ऋषिता आपके 5 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं ओके आपने पाए हैं 2-2-6 मार्क्स 10 में से 6 मार्क्स आपको मिले हैं अच्छा है आपका और अगले बार नेक्स्ट और अच्छा कोशिश करिएगा करने की ओके हर्षराज जल्दी प्लीज बेटा टाइम नहीं है Why did he ask Sancho for the magical ball?
सर कौन सा क्वेश्चन? व्हाट डिड द हॉर्स सर सर हर्षराज बताइए टाइम बिल्कुल भी बता रहे सर मुझे आता है सर तुम्हारा बेटा हो चुका है पांचों क्वेश्चन आपको दे दिया आवाज़ नहीं आ रही है आपकी आवाज़ नहीं आ रही अभी आ रही है सर आ रही है हमको जल्दी जल्दी बताओ जल्दी सब बताएं हाँ हाँ बिल्कुल बताइए फौरन तेजी से ये सर डॉन सर आपकी वॉइस नहीं आ रही सर आपकी आवाज नहीं आ रही हाँ बता डॉन सांसो सांसो फॉर द मैजिक वाय टू टाउन गेम बैक इनटू लेट बाय ही बिलीव दैट देम चेक सब गलत हो रहा सर मैजिक सर मैं बताऊं सर हर्षराज ये गलत आंसर है सर मैं बताऊं मैं हाँ बताओ सर इसका आंसर होगा ही आज सेंचु फॉर मैजिकल पॉलिटिशियन टू कर्ड विच कन्वर्ट विंडमिल इनटू जियांस सर मैंने बताया हर्षराज सर आपकी वॉइस नहीं आ रही हेलो हर्ष हेलो हेलो सर सर मैं बता रहा हूँ सर मैं बताऊँ सर गलत है सर हेलो इशिता हाँ तुम्हारा हर चैप्टर हो गया बेटा आज हम लोग इंडिया भी करते हैं ठीक है नेक्स्ट वीक फिर हिंदी का रहेगा ठीक है नेक्स्ट संडे हिंदी का करेंगे ओके बहुत प्रॉब्लम आ रही नेट की सर हिंदी तैयारी करिएगा हिंदी करेंगे ठीक है बेटा नेक्स्ट संडे कल सर